हेलो एवरीवन, मेरा एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल तारणी फैब्रिकेशन क्या। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा प्लेट को राइट एंगल में कैसे करते। कुछ भी एक आइटम मार्किंग करने के लिए, मार्किंग करने से पहले आपको प्लेट को राइट एंगल करना पड़ता है। राइट एंगल मीन्स एवरी कॉर्नर 90 डिग्री रहना। आजकल का जो रेडीमेड प्लेट आ रहा वो कभी भी राइट एंगल नहीं रहता। आप उसका पर भरोसा करके मार्किंग करेगा तो गलत हो जाएगा। जितना भी टेढ़ा मेढ़ा प्लेट होने दीजिए, उसको राइट एंगल कैसे करते, कैसे उसको 90 डिग्री में राइट एंगल में कटिंग करते, मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। अगर आप मेरा वीडियो में नया है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका दोस्त के पास शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि आपका दोस्त को जो मालूम नहीं है वो भी थोड़ा मेरा वीडियो के बारे में सीख सकता है। ये नया फिटर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले फर्स्ट स्टेप है फिटर काम सीखने का, प्लेट राइट एंगल। प्लेट अगर राइट एंगल नहीं कर सकते तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। मेरा वीडियो को ध्यान से देखिए, मैं क्या बोल रहा हूं, क्या कर रहा हूं, अच्छा से देखिए, समझिए, वो एक अच्छा फिटर या फैब्रिकेटर बनिए। चलिए चलते अपना पीसी का। हेलो एवरीवन, मेरा एक नया वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरा चैनल तारिणी फैब्रिकेशन क्या। दोस्तों, मैं आज इस वीडियो में आपको सिखाऊंगा प्लेट को राइट एंगल कैसे करते हैं, उसका कैलकुलेशन फॉर्मूला क्या है, और विदाउट कैलकुलेटर में राइट एंगल कैसे करते हैं, मैं आपको डिटेल्स में बताऊंगा। ये नया फिटर लोग के लिए, जो नया नया फिटर काम सीख रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। पहला स्टार्टिंग में प्लेट को राइट एंगल करना सीखना पड़ेगा, बाद में आप फिटर या फैब्रिकेटर बन सकते हैं। पहले देखिए, मैं इधर का डायग्राम ड्रा कर रखा हूँ। ये एक प्लेट है, देखिए ये कोई ना, राइट एंगल मीन्स एवरी कॉर्नर 90 डिग्री रहना। अभी देखिए, ये 90 डिग्री नहीं है, कोई भी एक कॉर्नर, ये देखिए, ये 90 डिग्री नहीं है, ये देखिए 111 डिग्री है, ऐसे राइट एंगल नहीं है। कोई भी प्लेट जो मटेरियल हम लोग रॉ मटेरियल आता है उसमें कोई भी किसी कोई प्लेट के ऊपर विश्वास नहीं करना, वो कभी भी राइट एंगल नहीं रहता। इसके लिए आपको राइट एंगल पहले प्लेट कर कुछ भी मार्किंग करने के लिए पहले राइट एंगल करना पड़ता है। राइट एंगल करने के लिए आपको एक फॉर्मूला मैं बता रहा हूँ विदाउट कैलकुलेटर में, बाद में मैं कैलकुलेशन फार्मूला बताऊँगा। अभी देखिए, ये एक लाइन है, ये जो प्लेट का फेस है बिल्कुल भरोसा नहीं करना। ये सीधा लाइन डोरी डाल के देखेगा तो ये प्लेट थोड़ा बेंड रहता है, क्योंकि ये फेस बिल्कुल बराबर सेट नहीं होता है वो जो मोल्डिंग टाइम। इसलिए आप ये फेस से, कोई भी एक फेस से 10mm ऑफसेट करके एक लाइन डोरी मार दीजिए। इधर से 10mm मार्किंग कर दीजिए, इधर से 10mm मार्किंग कर दीजिए। इधर देखिए, इधर 10mm मार्किंग कर दिया मैं, इधर इधर 10mm मार्किंग कर दिया। ये मार्किंग करने के बाद आपको कितना विड्थ का प्लेट है, पूरा प्लेट को राइट एंगल करेगा तो कर सकते, नहीं तो आपको जितना चाहिए उतना राइट एंगल करना है तो कर सकते। इसलिए मैं पूरा प्लेट को राइट एंगल कर दे रहा हूँ। देखिए, अब ये जो पॉइंट से हम लोग इधर 1200 लेंगे। ये टोटल प्लेट विड्थ कितना है मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। ये प्लेट विड्थ है, ये 1250 है, देखिए 1250 है, 1250 है, तो हम लोग 1200 में राइट एंगल करेंगे। देखिए, ये जो लाइन डोरी मारे, ये लाइन डोरी से आप 1200 इधर, ये पॉइंट से इधर 1200, इधर 1200 है के, और एक लाइन डोरी मार दीजिए पॉइंट मार्किंग करके। देखिए, ये और एक लाइन डोरी मार दीजिए। ये लाइन डोरी मारने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, उसका सेंटर में एक लाइन डोरी मार दीजिए। सेंटर मार 1200 में, सेंटर मीन 600, ये मार्किंग से इधर 600, इधर 600 लेके और एक लाइन डोरी मार दीजिए। देखिए, ये मार दिया लाइन डोरी। अभी कोई भी एक पॉइंट से, एक सेंटर लाइन में कोई भी एक पॉइंट में एक सेंटर पॉइंट मार दीजिए। सेंटर पर नहीं मारेगा तो पेंसिल बॉल पम में मार्किंग कर सकते।
ये एक पॉइंट ले लीजिए। ये पॉइंट लेने के बाद आपको क्या करना पड़ेगा, ये पॉइंट से टेप रख के अभी देखिए, ये पॉइंट से टेप रख के जितना इधर लेगा उतना ये लाइन पे लेना पड़ता। अभी देखिए मैं इधर आर्क मार दिया, आप लंबा प्लेट होगा तो आर्क के लिए आपको डिवाइडर शॉर्ट पड़ जाएगा, इसीलिए आपको क्या करना पड़ेगा, टेप में मार्किंग करना पड़ता। अभी देखिए ये पॉइंट से ये जितना है ये पॉइंट से उतना मार्किंग करना पड़ता। मतलब टेप डाल के आप देखना पड़ेगा, इधर टेप डाल के देखना पड़ेगा ये लाइन के ऊपर, समझे मैं इधर 5 मीटर मार्किंग कर दिया, इधर से 3 मीटर मार्किंग किया, इधर से अगर 3 मीटर मार्किंग किया तो ये पॉइंट से फिर इधर भी 3 मीटर मार्किंग करना पड़ेगा यही लाइन के ऊपर, दूसरा किधर मार्किंग करेगा तो रंग हो जाएगा। 3 मीटर जहाँ होता है वहाँ लाइन मार्किंग कर, 2 पॉइंट ले लेने के बाद आपको ये पॉइंट को ये पॉइंट लाइन पर मार्किंग। देखिए मैं जो मार्किंग किया है, देखिए ये पॉइंट से ये नीचे का पॉइंट तक लैंडिंग मार दीजिए, ये पॉइंट ये लैंडिंग मारने के बाद देखिए आपको ये प्लेट बिल्कुल ये फेस राइट एंगल हो गया। अभी देखिए ये 90 डिग्री रहेगा, अगर 90 डिग्री है तो बराबर राइट एंगल है आपको पता चल जाएगा। ये देखिए ये भी ये 90 डिग्री है क्या नहीं मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए बिल्कुल 90 डिग्री है, ये पॉइंट भी 90 डिग्री रहेगा क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है लाइन, 90 डिग्री रहेगा, ये आपको राइट एंगल मिल गया। ये राइट एंगल मिलने के बाद आपको जितना चाहिए ये पॉइंट ये लाइन से इधर मार्किंग कर सकते, ये लाइन से इधर मार्किंग कर सकते, फिर बाद में लाइन डर मारती, ये बेस रहना, ये लाइन को फॉलो करके ये लाइन को फॉलो करके इधर मार्किंग कर दीजिए, फिर ये लाइन को फॉलो करके इधर मार्किंग कर दीजिए। ये जितना भी ये लाइन से बेस करके जितना भी लाइन मारेगा आपको राइट एंगल में रहेगा, आप कहीं भी किधर भी राइट एंगल का प्लेट कटिंग कर सकते हैं। ये था विदाउट कैलकुलेटर में राइट एंगल फार्मूला। अगर कैलकुलेटर का राइट एंगल फार्मूला मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए इस ये एक फार्मूला क्या है, देखिए ये एक ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल का इधर देखिए ये देखिए ये है, ये बी ये सी मैं मार्क कर रहता हूँ। अगर ये आपको 75 रहेगा लेंथ 75 mm रहेगा तो बी अगर 100 mm रहेगा तो सी रहता आपको 125, सी रहता 125। देखिए ये अगर 75 रहेगा, बी 100 रहेगा, सी आएगा, सी कितना रहेगा आपको 125। मतलब ए पॉइंट से ए पॉइंट तक, ए पॉइंट से ए पॉइंट तक आपको 125 रहेगा, ये भी ए पॉइंट से ए पॉइंट तक अगर ये बी रहेगा तो अगर 100 ए पॉइंट 75। ये छोटा प्लेट के लिए, और धीरे धीरे बड़ा प्लेट के लिए आप मार्किंग कर सकते हैं। देखिए अगर आपको 600 का प्लेट है, 600 बाय 800 निकालना है प्लेट में, इसलिए ये अगर 600 रहेगा ये आपको 800 रहेगा, ये 1 मीटर आएगा, इसका फार्मूला है, ये राइट एंगल का फार्मूला है। अगर ये 1200 रहेगा ये 1600 रहेगा, ये 2 मीटर आएगा। ये 2400 रहेगा तो ये 3 मीटर, 200 रहेगा तो ये आपको 4 मीटर आएगा, इसका फार्मूला है। मैं इस ये फार्मूला को कैलकुलेटर में आपको दिखा देता हूँ कैसे ये होता है। देखिए कैलकुलेटर देखिए, देखिए फार्मूला कैसे यूज होता है। स्क्वायर रूट देखिए, इसका फार्मूला आता क्या नहीं आता मैं आपको दिखा देता हूँ। स्क्वायर रूट 75
का स्क्वायर प्लस 100, देखिए इधर 100 का स्क्वायर इज इक्वल टू, देखिए 125। ये पाइथागोरस का उपपाद्य है। ये अगर फॉर्मूला याद रह जाएगा ना, आपको राइट हैंड करने में कोई दिक्कत नहीं है। उसको यूज कैसे करते हैं मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए उसका यूज करने का फॉर्मूला मैं आपको दिखा रहा हूँ। उसका यूज कैसे करते हैं देखिए, अगर ये प्लेट के ऊपर मैं आपको यूज करके दिखा, मार्किंग कैसे करते हैं, इसको यूज कैसे करते हैं। देखिए एक प्लेट है, उसको यूज कैसे करते हैं देखिए। ये जो कोई भी एक फेस से एक टेनम ऑफसेट करके एक लाइनर मार दीजिए, देखिए इधर टेनम, इधर टेनम लेके एक लाइनर मार दीजिए। ये मानने के बाद आपको कोई भी एक पॉइंट से फिर इधर कितना होता, ये प्लेट का विड्थ पहले देख लीजिए कितना है प्लेट, उसके हिसाब से हम लोग राइट एंगल करेंगे। उसके हिसाब से उसका अगर छोटा लेंगे तो आपको 0.5 इधर माए हुए, अगर 0.5 इधर कम हो गया तो ये 1859 का 60 का प्लेट है। अब देखिए ये ले लेंगे, ये 1200 का लाइन ले लेंगे, 1200 2 मीटर्स। अभी ए पॉइंट से 1200 में एक और एक लाइन ले लीजिए, इधर से 1200 में और एक लाइन ले लीजिए, नहीं तो चाप कट दीजिए। देखिए ये 1200 में एक लाइन ले लिया, ये 1200 में लाइन लेने के बाद कहीं भी इधर एक पॉइंट ले लीजिए आप, ये जो पॉइंट ज्यादा प्लेट वेस्ट नहीं करना, यहाँ के पॉइंट ले लीजिए। ये पॉइंट लेने के बाद आपको देखिए ये लाइन से ए लाइन से आप 1200 लिए, इधर 1200 लिए, ए लाइन से हम लोग आपको लेना पड़ेगा कितना, देखिए 1600। ये पॉइंट से जो पॉइंट मार्किंग किया, ए पॉइंट लिया, ये पॉइंट से इधर 1600 में एक पॉइंट ले लीजिए, 1600 में और एक पॉइंट ले लीजिए। देखिए ये 1600 में एक पॉइंट ले लिया, ये 1600 में एक पॉइंट ले लिया, ये आपको 1200 में, ये 1200 है, ये 1600 है। हम लोग का ये फॉर्मूला क्या है, अगर ये हम लोग का 1200 है, ये 1600 है, ये कितना आएगा इधर देखिए, 1200 1600 इंटू 2 मीटर इज इक्वल टू 2 मीटर्स। ये पॉइंट में टेप रख के, ये पॉइंट में टेप रख के 2 मीटर जिधर होता है, ये लाइन के ऊपर, ए लाइन के ऊपर 2 मीटर जिधर होता है उधर एक पॉइंट ले लीजिए, क्योंकि ये फार्मूला देखिए 1200 1600 2 मीटर्स। अभी देखिए ये पॉइंट में टेप रखिए, अभी 2 मीटर जिधर आता उधर एक पॉइंट ले लीजिए, देखिए ये देखिए ये 2 मीटर है, मैं देखिए ये पॉइंट से 2 मीटर में एक पॉइंट ले लीजिए। ये 2 मीटर है क्या नहीं है मैं आपको दिखा देता हूँ, देखिए देखिए ये 2 मीटर है, ये 2 मीटर है और ये है आपका 1 पॉइंट से
सॉरी, ये 1200 है और ये है आपको 1600। ये बाद में ये पॉइंट मार्किंग होने के बाद ये पॉइंट को ये पॉइंट लाइंडर मार दीजिए। ये पॉइंट को ये पॉइंट लाइंडर मार दीजिए। देखिए ये लाइंडर मार दिया। बाद में आपको ये प्लेट को ये लाइन को निकाल सकते हैं, अगर ज़्यादा बढ़ाना तो बढ़ा सकते हैं, ये अभी ज़रूरत नहीं है। अभी देखिए ये आपको राइट एंगल मिल गया, ये 90 डिग्री का आपको राइट एंगल जो करना था वो राइट एंगल मिल गया। देखिए 90 डिग्री है क्या नहीं है, ये देखिए बिल्कुल 90 डिग्री। ऐसे आप प्लेट को कोई कितना भी टेढ़ा मेढ़ा प्लेट होने दीजिए, आप राइट एंगल कर सकते हैं ऐसे मार्किंग करके। ये है राइट एंगल का फॉर्मूला, ये याद रखिए। अगर ये लाइन का ऊपर इधर 1200 लिए, इधर 1600 लिए, ये 2 मीटर आएगा। अगर इधर 2400 इधर लिए, इधर 3200 लिए, ये 4 मीटर आएगा। ये 300 लिए, जितना बड़ा छोटा प्लेट में उतना यूज कीजिए। ज़्यादा बड़ा प्लेट में अगर या 300, 400, 500 यूज करेगा तो आपको लाइंडर में थोड़ा 1 mm आउट हुआ तो उधर 5 mm आउट हो जाता, नहीं बराबर नहीं रहता। इसलिए प्लेट का साइज क्या सबसे फॉर्मूला यूज कीजिए। अभी ये जितना लेंगे, ये अगर 300 लिए, ये 400 लिए, ये 500 किधर होता मार्किंग कर दीजिए। फिर ये 600 लिए, ये 800 लिए, इधर 2 मीटर 1 मीटर किधर होता वो वहाँ मार्किंग करके लैंडिंग मार दीजिए, बिल्कुल राइट एंगल रहेगा। ये था आज का वीडियो। अगर वीडियो थोड़ा अच्छा लगा, थोड़ा हेल्पफुल लगा तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ये राइट एंगल फॉर्मूला है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।